इन पर संभल के चंदोसी स्टेशन रोड स्थित एबीसी मोंटेसरी स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों को नॉन फायर कुकिंग करना सिखाया गया। समाज सेविका संगीता भार्गव और स्कूल की टीम ने नन्हे मुन्ने बच्चों को बिना गैस स्टोव और अन्य साधनों के सैंडविच बिस्कुट इत्यादि बनाना सिखाया। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने हाथों से सैंडविच और बिस्कुट इत्यादि बनाए। बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। एबीसी मोंटेसरी स्कूल के प्रबंध संचालक समाज सेवी संगीता भार्गव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिनसे बच्चों को नॉन फायर कुकिंग सिखाई गई है, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छी होगी कि घर पर भी कभी अकेले रहते हैं तो बना सके खा सकते हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय में? भैया, हम लोग बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। बच्चों को हम लोग टाइकॉन्डो, डांस, म्यूज़िक, नॉन स्टोव कुकिंग सभी चीज़ सिखाते हैं। नॉन स्टोव कुकिंग सिखाने का मकसद ये है कि जब पेरेंट्स किसी वजह से बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उनको आने में देरी हो जाती है, छोटे बच्चे हैं, भूख लगती है और कभी भी भूख लगती है, टीवी देखते देखते भी भूख लगती है, उनको कुछ खाना है, तो फ्रिज में सबके ब्रेड है, जैम है, जेलीज हैं या केचप्स हैं, मोनाको बिस्किट्स, अलग अलग तरीके, भेल सभी के घरों में होती है। तो बच्चों को आज जो घर में उपलब्ध होता है सामान, उसको इजी वे कुकिंग, जिसमें स्टोव नहीं लगे, जिसमें चाकू नहीं लगे, उस तरह की कुकिंग आज हमने बच्चों को सिखाई है यहाँ पर। और जैसे भेल पूड़ी है, सैंडविचेस हैं, मोनाको स्नैक्स हैं, आलू चाट है, तो ये सब चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं आज। और जो मम्मी पापा जिनके बच्चों के नहीं होते हैं, बच्चों पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इजी होगा कि भाई ब्रेड रख के जा रही हूँ, आप बना लेना सैंडविच अपने आप ही। छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, बच्चे ने बहुत अच्छे से सीखा। और आज सबसे खुशी की बात है कि जो बच्चे हमारे यहाँ सीखे थे, उन्होंने ही एक दो बच्चों ने आके आज यहाँ सिखाया है। पुराने जो 2011-12 में जिन बच्चों ने अपने स्कूल में एंट्री ली थी, तो आज वही बच्चे आज टीचर बने हैं और उन बच्चों ने आज बच्चों को सिखाया है, मुझे बहुत खुशी है। इसमें बच्चों को नॉन फायर कुकिंग सिखाई गई है, तो क्या कहेंगे इसमें? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम बच्चों को एक अपने ऊपर डिपेंड रहना सिखा रहे हैं, क्योंकि मम्मियाँ होती हैं, बहुत वर्क्स होते हैं घर में भी। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से वर्क कर सकें। और अपने बहन भाइयों के, अगर मान लीजिए हम बाजार जा रहे हैं, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी जानती हूँ बहुत सारा वर्क होता है घर में भी। हम कुछ मान लीजिए तैयार हो रहे हैं या कुछ है, उस पीरियड में बच्चा भूखा है या कुछ भी है, तो मैं ये चाहूँगी, ये बहुत अच्छा बेस्ट तरीका है बच्चों को सिखाने का। ना ही इसमें फायर की जरूरत है, कुछ नहीं है, इससे बच्चा सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा। और अपने साथ के बहन भाइयों को, हमें किसी को भी अगर भूख लगी थी तो बच्चा और किसी पर डिपेंड नहीं रहे, सेल्फ डिपेंड हो, इसलिए मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छा वे है जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिल रहा है।